आखिर पीलीभीत लोकसभा सीट से वरुण गांधी का बीजेपी ने क्यों काट दिया टिकट? आखिर अब क्या होगा वरुण गांधी का अगला कदम? वरुण गांधी का टिकट कटने पर मेनका गांधी ने पहली बार बताई है असल वजह। आपको बताते हैं कि वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद उनकी मां और बीजेपी की सांसद मेनका गांधी ने अपने बयान में फिर से ऐसा कुछ कहा है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता और सुल्तानपुर के सांसद मेनका गांधी ने अपने बेटे के लोकसभा टिकट के कटने के कारण को बड़ा खुलासा करते हुए सामने रखा है। मेनका गांधी ने वरुण को टिकट न मिलने पर बड़ा बयान दिया और बताया कि आखिर बीजेपी ने इस बार उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि वरुण गांधी कभी कभी सरकार की आलोचना करते थे, शायद यही वजह होगी कि उन्हें इस बार टिकट नहीं मिल पाया है। हालांकि यह जरूर है कि वो बिना इसके भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वरुण सुल्तानपुर आना चाहते हैं और मेरे लिए प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और मेनका गांधी ने शनिवार को एक इंटरव्यू दिया, एक साक्षात्कार दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने चुनावों में सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर बात करती हूँ, मैं उन काम का जिक्र करती हूँ जिन्हें मैंने किया है और जिन्हें मैं भविष्य में पूरा करूंगी। यकीन मानिए, लोगों को राष्ट्रीय मुद्दों से कहीं अधिक रुचि स्थानीय मुद्दों में होती है। इंटरव्यू में मेनका गांधी ने कहा कि पीलीभीत की सीट से वरुण गांधी को उम्मीदवार होना चाहिए, लेकिन पार्टी ने अलग फैसला किया, बात बस इतनी सी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वरुण गांधी लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ बेरोजगारी से लेकर महंगाई पर सवाल उठाते रहते थे, जिसके चलते विपक्षी दल नेताओं को बीजेपी पर सवाल उठाने का ज्यादा सहजता से मौका मिल जाता था। केंद्रीय मंत्री ने कहा, दूसरा तो कोई और कारण नजर नहीं आता। मेनका गांधी ने कहा कि मुझे यकीन है कि वरुण लोकसभा चुनाव के टिकट के बिना भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी के सुल्तानपुर से लोकसभा प्रत्याशी मेनका गांधी ने कहा कि वरुण सुल्तानपुर आकर पार्टी और उनके लिए प्रचार करेंगे या नहीं, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें वरुण का टिकट कटने पर बुरा लगा है। वरुण के सुल्तानपुर आकर भविष्य में राजनीति करने या पीलीभीत में ही रहने को लेकर पूछे गए सवाल पर मेनका ने कहा कि पीलीभीत और भारत उनकी कर्मभूमि है, उन्हें सभी जगह काम करने दीजिए। मेनका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में कई योजनाएं हैं जिससे जमीनी स्तर पर फर्क पड़ा है। राशन देने से निश्चित रूप से मदद मिली है, लोगों के पक्के घर बने हैं, इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। क्या एनडीए 400 से अधिक सीटें जीतेगी? इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है। एनडीए सत्ता में आई तो क्या वो फिर से मंत्री बनेंगी? इस पर मेनका गांधी ने कहा कि मुझे कोई अंदाजा नहीं है, मैं ये निर्णय लेने वाली हूँ नहीं और मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती। आपको बता दें, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्हें मंत्री पद मिला था, लेकिन दूसरी सरकार में वो मंत्री नहीं बन सकी थी। मेनका गांधी लंबे समय से सुल्तानपुर से सांसद हैं, इस बार भी बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी के राम भुआल निषाद हैं। 2019 में उन्होंने बसपा के चंद्र भद्र सिंह को हराया था। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर सीट छठे चरण में वोटिंग में जा रही है, यानी 25 मई को। पीलीभीत सीट पर पहले ही चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है, जहां से बीजेपी ने इस बार सिटिंग सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर यूपी के मंत्री जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है। पीलीभीत से टिकट कटने के बाद वरुण गांधी ने पीलीभीत की जनता के नाम एक भावनात्मक चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने दावा किया था कि उनका रिश्ता पीलीभीत से आखिरी सांस तक रहेगा। आपको बता दें, 1996 में पीलीभीत सीट मेनका गांधी या उनके बेटे के पास रही है। 1996 से लगातार मेनका गांधी ने 1989 में जनता दल के टिकट पर यहां से चुनाव जीता था। 91 में वो हार गई थी, 96 में वो फिर जीती, 98 और 99 में वो स्वतंत्र उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल करती दिखाई पड़ी। 2004 और 2014 के बीजेपी उम्मीदवार के रूप में वो सीटें जीतती दिखाई पड़ी। वरुण गांधी ने 2009 और 2019 में बीजेपी उम्मीदवार के रूप में सीटें जीती थी। अब चूंकि इस बार पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट गया है, उस पर मेनका गांधी सुल्तानपुर की सिटिंग एमपी हैं और इस बार उम्मीदवार भी हैं और वरुण गांधी की मां भी हैं। इन तमाम बातों के बीच जब वो इस तरह की बात कहती हैं, तो निश्चित तौर पर चर्चा लाजमी है। वरुण गांधी फायर ब्रांड नेता बीजेपी के हमेशा अक्सर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते दिखाई पड़ते हैं और अब उनकी मां मेनका गांधी भी ये मानती हैं कि हो सकता हो विपक्ष को वरुण के मुद्दे उठाने से ज्यादा मौका मिल जा रहा था, इसलिए शायद बीजेपी ने उनका टिकट काटा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।